इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आपका एम कॉम सेकेंड सेमेस्टर का एक पेपर है बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ को इस सीरीज़ में देखेंगे। और जिन्होंने भी मेरा थ्योरी सेशन नहीं देखा है बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, वो भी एग्जाम से पहले आप ज़रूर देख कर जाएँ। और इस पर मैंने डिस्क्रिप्टिव के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। देखिए, इसमें से कौन सा कह रहा है कि एथिक्स का जो प्रिंसिपल है बिजनेस में, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी एंड ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, एथिक्स क्या होता है, आपको पता है कि एथिक्स वो क्या होता है, किसी कोई मॉरल एक प्रिंसिपल होता है जो कि डिफरेंस बताता है सही और गलत में, मतलब क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, बेसिकली हमें ये किससे पता चलता है, एथिक्स से। और बिजनेस एथिक्स मतलब क्या होता है कि वो सारी चीज़ें, मीन्स वो सारे वैल्यूज, वो सारे प्रिंसिपल्स जो हमें फॉलो करने चाहिए जब कंडक्टिंग अ बिजनेस, उसे हम कहते हैं बिजनेस एथिक्स। तो इसमें से कह रहा है क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी एलिमेंट्स बताए हुए हैं कि अगर एथिक्स के लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए। तो एलिमेंट्स ये होना चाहिए कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, हेल्पिंग एटीट्यूड का होना चाहिए, इक्वालिटी सबके साथ, समान सबके साथ क्या इक्वल ट्रीट करना चाहिए, गाइडिंग फोर्स होना चाहिए। तो ये सारी प्रिंसिपल्स हमारी आती हैं एथिक्स ऑफ बिजनेस में। इसके लिए इसमें क्या होनी चाहिए, ऑनेस्टी भी, इंटीग्रिटी भी, लॉयल्टी भी। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, बोर्ड दैट इज इलेक्टेड इन अ क्लासिफाइड सिस्टम। एक बोर्ड जो है दैट इज इलेक्टेड अगर क्लासिफाइड सिस्टम में, उसे हम क्या कहेंगे, डाइवर्सिफाइड बोर्ड, स्टैगर्ड बोर्ड, रोटेटिंग बोर्ड की डी, क्लासिफाइड बोर्ड। तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्सिफाइड बोर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज करेक्ट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन टेम्पर ग्रोथ। बी कह रहा है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन रिजल्ट इन एक्सेसिव रिस्क टेकिंग। किसी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ्टन रिजल्ट इन प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कि द एम ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर एंड द लोकल इकोनॉमीज। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है, मतलब ऐसा रूल्स या ऐसा प्रोसेस कहे या ऐसा प्रिंसिपल होता है जो इस बात के लिए इंश्योर करता है कि आप सभी स्टेक होल्डर्स के नीड्स और इंटरेस्ट के बारे में क्या है, सोच रहे हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मीन्स अपने देश के गवर्नमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन टेम्पर ग्रोथ, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड का हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, द फर्स्ट स्टेप इन द ऑडिटिंग प्रोसेस शुड बी सिक्योर द कमिटमेंट ऑफ। जो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है ऑडिटिंग प्रोसेस में, शुड बी सिक्योर इन द कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड डायरेक्टर की, स्टॉक होल्डर्स की, कस्टमर्स। तो देखिए, सबसे पहला इस मतलब अगर हमने आपको बताया हुआ है कि क्या क्या फैक्टर्स, मीन्स क्या क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मैकेनिज्म होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑडिट कराना होता है, क्या होता है, बोर्ड कमेटी क्या होती है, उसमें ऑडिट कराना होता है कंपनी को। तो सबसे पहले ऑडिटिंग प्रोसेस का क्या होता है, एम्प्लॉयज, टॉप एग्जीक्यूटिव्स, डायरेक्टर्स, स्टॉक होल्डर्स की, कस्टमर। तो सबसे पहले क्या होते हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड डायरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डिफिनेशन ऑफ एसेट्स। इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक एसेट्स की डिफिनेशन का पार्ट नहीं है। ए है कंट्रोल ऑफ अ रिसोर्स, बी है रिजल्टिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट, सी है इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, की डी है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है डिफिनेशन ऑफ एन एसेट्स, तो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्राइवर ऑफ रिस्पॉन्सिबल कॉम्पिटिवनेस। इसमें से कौन सा एक ड्राइवर नहीं है रिस्पॉन्सिबल कॉम्पिटिवनेस का, पॉलिसी ड्राइवर्स, डेवलपमेंट ड्राइवर्स, बिजनेस एक्शन की, सोशल एनेबल्स। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो डेवलपमेंट ड्राइवर्स आर द नॉट अ, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर सही है। ये शेयर होल्डर क्या होते हैं, एक्सटेंसिव पावर होते हैं ताकि मॉनिटर कर सके कंपनी की एक्टिविटीज़ को। बी कहता है कि जो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर होते हैं, वो प्रेफर करते हैं एक्सपोर्ट देयर पावर प्राइवेटली रेदर देन पब्लिसिटी। कि सी है ये शेयर होल्डर एम करते हैं टू इम्प्रूव आउटकम्स रेदर देन टू सेल देयर शेयर होल्डिंग। कि इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स नो एज टू पब्लिसिटी यूज देयर वोटिंग पावर टू इंक्रेज साउंड कम। तो इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन, इंस्टीट्यूशनल जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं एक्सपोर्ट देयर पावर प्राइवेटली रेदर देन पब्लिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है, ए डैश इज अ प्रॉब्लम, सिचुएशन या अपॉर्चुनिटी रिक्वायरिंग एन इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन टू चूज अमंग सेवरल एक्शंस दैट मस्ट बी एवेलेटेड एज अ राइट एंड रॉन्ग। ऐसा कौन सा प्रॉब्लम या सिचुएशन या अपॉर्चुनिटी रिक्वायर होती है कि इंडिविजुअल या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें से सेवरल एक्शंस को चूज करना रहता है कि वो गलत है या सही। क्राइसिस, इथिकल इशूज,
इंडिकमेंट की फ्रॉड, तो दैट इज एथिकल, उसी दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट है हाई कमिटमेंट अप्रोच टू एनवायरमेंटल इशूड में क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या मतलब इंक्लूड किया जाता है एक्सेप्ट किस चीज़ को. रिस्क एनालिसिस, स्टेक होल्डर एनालिसिस, ग्रीन वॉशिंग की स्ट्रेटेजिक सस्टेनेबिलिटी ऑडिटिंग, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन वॉशिंग. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द डिस्काउंटिंग फ्यूचर लाइबिलिटीज जो है करेक्ट है. ए है डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लो जो है नहीं अलाइंड है विद द एम्स एंड ऑब्जेक्टिविटीज ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग. बी है कि डिस्काउंटिंग डिस्टेंट फ्यूचर कॉस्ट दैट आर टू बी इंकर्ड इंक्रीज इन द करंट लाइबिलिटीज, जो कि डिस्काउंटिंग कॉस्ट जो हाईलाइट करता है सेविंग ऑफ फ्यूचर ऑब्लिगेशन. तो इसका आंसर जो रहेगा दैट इज डिस्काउंटिंग फ्यूचर के कैश फ्लो नॉट अलाइंग विद द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज रिलेटिंग टू द CSR थ्योरीज इज करेक्ट. CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें से पूछा है कि कौन सा सही है. इंस्टीट्यूशनल थ्योरी जो बेस्ड होता है शेयर होल्डर के कॉन्सेप्ट पे. बी है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हो एक की कॉन्सेप्ट होता है लेगिमिटेशी थ्योरी का. कि सी है जो की कॉन्सेप्ट होता है इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट स्टेक होल्डर के रिलेशन का. कि लास्ट है स्टेक होल्डर की थ्योरी रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन थी मैनेज कर सके कमिटी की परसेप्शन. तो दैट इज सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है की कॉन्सेप्ट होता है लेगिमिटेशी थ्योरी का, दैट इज ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है स्टेक होल्डर ओरिएंटेशन. ए स्टेक होल्डर ओरिएंटेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट. अब देखिए काफ़ी बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो स्टेक होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं. स्टेक होल्डर वही होते हैं जो कि कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं, मीन्स एक्सटर्नली या इंटरनली जुड़े होते हैं. जैसे सोसाइटी हो गई, जैसे गवर्नमेंट हो गई, एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, ये सारी चीज़ें मीन्स कंपनी की ग्रोथ से फ़र्क पड़ता है. तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं, कौन चीज़ें नहीं आती हैं. जनरेटिंग द डेटा अबाउट स्टेक होल्डर ग्रुप्स. बी कह रहा है असेसिंग द फर्म के इफेक्ट्स ऑन स्टेक होल्डर ग्रुप्स. की सी है डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टेक होल्डर इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द फर्म. की मिनिमाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेक होल्डर इन्फॉर्मेशन द फर्म. तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर दिस की मिनिमाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑन द स्टेक होल्डर इन्फॉर्मेशन ऑफ द फर्म. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है ABC लिमिटेड इन. इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जो Did not attend a school supported by the company. कि second है does not have outside relationship with other directors. कि C है does not have any other relationship with the company other than his or her directorship. कि fourth all of the above. तो एक independent director वही होता है जो कि क्या होता है उसके पास कोई other relationships नहीं होता है with the company other than his or her directorship. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15 एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिगेशन इज टू एक्ट टू प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे सोसाइटी की वेलफेयर एज वेल एज उसके इंटरेस्ट को, उसे हम किस नाम से जानते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि कॉरपोरेट ऑब्लिगेशन से कि बिजनेस एथिक्स से. तो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्लिगेशन ड्यूटी क्या ये सेट करते हैं कि प्रोटेक्ट और इम्प्रूव कर सके सोसाइटी के वेलफेयर. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है एन ऑर्गेनाइजेशन एप्रोप्रिएट टोन एट द टॉप प्रमोटिंग एथिकल कंडक्ट. एक एग्जांपल किस चीज़ का है. एथिक्स सेंसिटिविटी, एथिक्स इंसेंटिव्स, एथिकल बिहेवियर की कॉन्सिक्यूट. तो एक ऑर्गेनाइजेशन एप्रोप्रिएट टोन होता है टॉप प्रमोटिंग, दैट इज उसका बिहेवियर. क्या नेक्स्ट है एटमोस्फेरिक इशू इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, एयर पॉल्यूशन की वाटर क्वांटिटी. तो एटमोस्फेरिक इशू क्या इंक्लूड करते हैं सारे के सारे एक्सेप्ट वाटर क्वांटिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट है द 4 टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी हैं. लीगल, फिलंथ्रोपिक, इकोनॉमिक और एथिकल. की सेकंड एथिकल, मॉरल की सोशल एंड इकोनॉमिक. की फिलंथ्रोपिक, जस्टिस, इकोनॉमिक एंड एथिकल. की फोर्थ है लीगल, मॉरल की एथिकल एंड इकोनॉमिक. तो 4 टाइप्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी हैं. लीगल, फिलंथ्रोपिक, इकोनॉमिक और एथिकल, दैट इज ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा. नेक्स्ट है द गोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स एजुकेशन क्या है. पहला कहता है इट टीच स्टूडेंट्स टू देयर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी एंड होल्ड देयर पर्सनल इंटीग्रिटी टू सोसाइटी. सेकंड कहता है चेंज द वे इन विच एथिक्स इज टॉट टू स्टूडेंट्स. किसी कहता है इट क्रिएट मोर एथिक्स स्टैंडर्ड्स बाय विच कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स मस्ट ऑपरेट. किस नेक्स्ट कहता है इट इंक्रीज द वर्क लोड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. तो इसका आंसर हो जाएगा इट क्रिएट द मोर एथिक्स स्टैंडर्ड्स बाय द विच कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स मस्ट बी ऑपरेट.
नेक्स्ट है द हैंड ऑफ गवर्नमेंट रिफर्स टू द हैंड ऑफ गवर्नमेंट रिफर्स किसके द्वारा किया जाता है एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन बिजनेस और नेगोशिएशंस के भी है रोल ऑफ कॉरपोरेशंस टू द प्रॉफिटेबल विद इन द लॉ किसी ही इफेक्ट ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स ऑन द बिजनेस डिसीजन के इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ अ रोल ऑफ कॉरपोरेशंस टू बी प्रॉफिटेबल विद इन द लॉ. नेक्स्ट है द इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो होता है लीस्ट अफेक्टिव होता है जबकि डिपार्टमेंट इज नॉन डिपेंडेंट इज कॉम्पिटेंट इज ऑब्जेक्टिव कि इट एग्जिबिट्स इंटीग्रिटी. तो जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है वो लीस्ट अफेक्टिव होता है जब डिपार्टमेंट क्या होता है इज नॉन इंडिपेंडेंट दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं कस्टमर्स सप्लायर्स स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स की क्रिएटर. तो शेयर होल्डर्स पूछा है यहाँ पर तो प्राइमरी स्टेक होल्डर कौन जाएंगे शेयर होल्डर दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है द सोशल इकोनॉमिक पार्टनरशिप फिलॉसफी एम्फेसिस कॉरपोरेशन और असिस्टेंस पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे कॉम्पिटिशन पे कि रिस्ट्रिक्शन रिसोर्स एंड सपोर्ट पे. तो इसका आंसर हो जाएगा कॉरपोरेशन और असिस्टेंस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है द व्यू दैट बिजनेस एग्जिस्ट एट द सोसाइटी प्लेजर और बिजनेस शुड बी मीट पब्लिक एक्सपेक्टेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है आयरन लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्गूमेंट की इनलाइटमेंट सेल्फ इंटरेस्ट आर्गूमेंट की कैपेसिटी आर्गूमेंट की एंटी फ्रीलोडर आर्गूमेंट. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट आर्गूमेंट्स. लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नीड टू फोकस ऑन पर्सनल ओपिनियंस ऑफ द एम्प्लॉयज it be limited to upper executives ki see hai it execute employees on formal ethical frameworks and models of ethical decision making ki fourth promote the use of emotions in the making tough ethical decision. to iska answer jayega educate employees on it formal ethical frameworks or models of ethical decision making. theek hai.